मॉडल पेपर, अर्धवार्षिक परीक्षा, रसायन विज्ञान क्लास 12, केवल प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखेंगे। पहला कि कारा, पहले का जो का है इसमें कह रहा है कि एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज्य है, यानी हमें मोल प्रभाज्य ज्ञात करना है जिसमें मोलल दिया हुआ है। एक मोलल जलीय विलयन में, जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज्य है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मोल प्रभाज्य ज्ञात करने से जानने पहले इसका मान वैल्यू निकालने से पहले हमें मोललता याद करना पड़ेगा। मोललता बराबर होता क्या है? एक मोल तो दिया है, इसमें हम देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि मोललता, मोललता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाता है? विलायक का भार ग्राम में, विलायक का भार ग्राम में। तो एक मोलल, एक मोलल बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या बराबर दिया हुआ है, बराबर एक। विलेय के मोलों की संख्या बराबर दिया है एक, और इसमें देखेंगे विलायक का भार कितना दिया है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है, जो कि जल के लिए लेते हैं। इसका क्या होता है? विलायक के मोल, विलायक के मोल हम निकाल लेते हैं तो 1000 बटे क्या हो जाएगा आपका, ये जल का क्या है, अणुभार है। तो हमारा ये सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा आपका 55.55 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या ज्ञात करने चले हैं, जो हमें ज्ञात करना था विलेय का मोल प्रभाज्य, जो ज्ञात करना था विलेय के मोल प्रभाज्य बराबर हो जाएगा विलेय के मोल बटे कुल, यानी कि हो जाएगा आपका कुल मोलों की संख्या जो है तो हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस 55.55। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका, जुड़ेगा तो 56.5555 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.017 आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं कौन सा सही है, 0.017 यानी कि इसके करीब में है, यानी कि हमारा चौथा बहुविकल्पीय सही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्ध आयु 400 सेकेंड है, 400 सेकेंड है, तो इसका वेग स्थिरांक होगा। तो वेग स्थिरांक इसका ज्ञात करना है प्रथम कोट की अभिक्रिया का, ठीक, प्रथम कोट की अभिक्रिया का हमें वेग स्थिरांक ज्ञात करना है, जिसमें हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, वेग स्थिरांक बराबर क्या होता है? वेग स्थिरांक जो बराबर होता है 0.693/t हो जाता है, जो अर्ध आयु दिया है। इसकी वैल्यू हम इसमें पुटिंग कर देते हैं, रख देते हैं 400 रख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, बस आ जाएगा, सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा हमारा, सॉल्व करने पर आ जाता है 0.01735 हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं, इस क्रम में लिखते हैं 1.7325 × 10⁻³⁻³ सेकंड इनवर्स, क्योंकि वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है सेकंड इनवर्स होता है, ठीक, इसलिए इसका वैल्यू आ गया। चलिए बहुविकल्पीय में देखते हैं कौन सही है, 1.73 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स, कि हमारा वेग स्थिरांक का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में संक्रमण धातु ऑक्साइड लोह चुंबक गुण दर्शाता है, तो किस में, किस यौगिक में दर्शाता है? तो ये आपका CrO2 में दर्शाता है, CrO2 में दर्शाता है। उसके बाद अगला क्या आ रहा है, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है, कौन सा सूत्र सही है? तो इसमें हो जाता है शून्य कोट के लिए अभिक्रिया के लिए जो सूत्र है ये हो जाता है T½ Darlie proportion A^0 हो जाता है, ये क्लियर हो गया है। अगला कहते हैं परिशोधित स्प्रिट में एल्कोहल होता है, परिशोधित स्प्रिट में एल्कोहल होता है कितना परसेंट होता है? 95.5% होता है, 95.5% 95.5% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। फिनाल, फिनाल पहले सांद सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, पहले सांद सल्फ्यूरिक अम्ल से
क्रिया करता है तो फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके क्या देता है, करके देता है क्या यौगिक बना रहा है, तो ऑक्टो नाइट्रो फिनाल बना लेता है, ऑक्टो नाइट्रो फिनाल बना लेता है। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर।